पंत प्रधान नरेंद्र मोदी के काफी महत्वपूर्ण साबित हुए मन की बात इस कार्यक्रम का सवा भाग आज पूरे देश भर में प्रसारित किया गया। विधायक गणेश नाइक के मार्गदर्शन में ऐरोली विधानसभा मतदान संघ में 100 से भी अधिक जगह पर मन की बात के सीधे प्रसारण की व्यवस्था भाजपा कार्यकर्ताओं द्वारा की गई थी। मन की बात के पूर्व ऐरोली विधानसभा क्षेत्र के प्रथम विधायक संदीप नाइक ने एफजी नाइक महाविद्यालय के युवा छात्रों के साथ मिलकर ऐरोली भुतौली में सफाई अभियान चलाया। इस दौरान उनके साथ बड़ी संख्या में एनएसएस छात्र एवं एफजी नाइक महाविद्यालय के छात्र मौजूद थे। संदीप नाइक भी खुद हाथों में झाड़ू लेकर सफाई करते नजर आए। पत्रकारों से बात करते हुए संदीप नाइक ने कहा कि नवी मुंबई में काफी जगह पर बड़ी संख्या में लोग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात सुनने के लिए इच्छुक है। देशाचे पंतप्रधान आदरणीय नरेंद्र जी मोदी यांच्या माध्यमातून अनेक उपक्रम सुरू केले गेले, अनेक उपक्रम ही लोकप्रिय झाली आणि त्यामधील एक खूप लोकप्रिय झालेला क्रांतिकारी उपक्रम म्हणजे मन की बात। 3 ऑक्टोबर 2014 साली सुरू झालेला उपक्रम आज जवळपास 100 एपिसोड या उपक्रमाचे पूर्ण होत आहेत। नवी मुंबईमध्ये अनेक ठिकाणी मन की बात या कार्यक्रमाचं विशेष पद्धतीनं आयोजन संपूर्ण शहरामध्ये केलं गेलं आहे। ऐरोली मतदारसंघामध्ये विशेष करून आदरणीय गणेशजी नाईक साहेबांच्या मार्गदर्शनाखाली 100 अधिक ठिकाणी मन की बात या कार्यक्रमाचं आयोजन केलं गेलं। समाजामधील विविध घटक, मग ते ज्येष्ठ नागरिक असतील, महिला भगिनी असतील, विद्यार्थी असतील, विविध क्षेत्रामध्ये काम करणारे घटक असतील, विविध समाजाचे घटक असतील, यांना शासनाच्या योजनांविषयी ही माहिती मिळावी आणि त्या माध्यमातून देशाचा त्या व्यक्तीचा विकास साधला जावा, त्याला गती मिळावी या उद्देशानं सुरू केलेला उपक्रम हा 100 टप्प्यामध्ये अत्यंत यशस्वी आणि खूप लोकप्रिय झालेला उपक्रम म्हणून आपण सगळेजण बघतोय। आगे उन्होंने ये भी कहा कि अडवली भुतावली या नवी मुंबई के सबसे पुराने गांव में से एक है एवं अगर आदिवासी पाड़ों का विकास करना है तो उनको हर जानकारी होना जरूरी है। इसलिए विधायक गणेश नाइक के मार्गदर्शन के अनुसार मन की बात का आयोजन अडवली भुतावली में किया गया है। अडवली भुतावली हे खूप जुनस गाव, त्यावेळेसची वाडी आणि ह्या परिसरामध्ये आदिवासी लोकांची वस्ती ही खूप मोठ्या प्रमाणामध्ये आहे। जर आपण हा मन की बात कार्यक्रम करतो आहे आणि मन की बात कार्यक्रम सुरू करण्यामागचं माननीय पंतप्रधान नरेंद्रजी मोदी यांचं उद्दिष्ट की समाजातील प्रत्येक घटकाला आपण काही ना काहीतरी वेगळं पद्धतीचं मार्गदर्शन केल्यानंतर शासनाच्या योजनांशी तो व्यक्ती जोडला पाहिजे,
त्या व्यक्तीचा स्वतःचा विकास झाला पाहिजे, त्या व्यक्तीच्या माध्यमातून त्या परिसरामध्ये देशाच्या प्रत्येक कार्यामध्ये त्याचा सहभाग देखील असला पाहिजे। म्हणून आदरणीय नाईक साहेबांच्या मार्गदर्शनाखाली आपण आरवली भूतवली या परिसरामध्ये या कार्यक्रमाचं आयोजन करण्याचं ठरवलं। आगे उन्होंने ये भी कहा कि NSS छात्र भी इस मुहिम का हिस्सा बने हैं। उन्होंने ये भी जानकारी दी कि मन की बात के साथ कई अन्य सामाजिक उपक्रमों का आयोजन भी यहाँ किया गया है। NSS चे विद्यार्थ्यांनी प्रामुख्याने श्रमिक शिक्षण संस्था FG नाईक राफो नाईक आणि स्पोर्ट्समधील आणि विशेष करून जे माजी NSS चे विद्यार्थी आहेत ते देखील आज या स्वच्छता मोहिमेकरता आज सगळेजण सहभागी झालेत। मन की बात हा कार्यक्रम 11 वाजता जरी सुरू होणार असला तरी सकाळी 7 वाजल्यापासून हे सगळे विद्यार्थी शिक्षक आणि माझ्यासोबत असलेले हे लोकप्रतिनिधी त्यामध्ये सगळंच आज माझ्यासोबत असले सर्वच लोक ह्या उपक्रमाच्या यशाकरता आणि त्या माध्यमातून खऱ्या अर्थानं या परिसरामध्ये जे ह्या उपक्रमाचं उद्दिष्ट आहे ते पोचेल आणि त्या माध्यमातून जे आदिवासी बांधव आहेत त्यांच्या जीवनामध्ये काही ना काहीतरी क्रांती घडेल या अनुषंगानं विविध कार्यक्रमांचं आयोजन आजच्या दिवशी केलं आहे आणि त्यामध्ये स्वच्छता मोहीम ही पहिल्या टप्प्यात आहे। या परिसरामधील या आदिवासी समाजातील जे ज्येष्ठ मंडळी आहेत त्यांनी विविध क्षेत्रांमध्ये आपलं योगदान दिलं आहे, त्यांचा सन्मान देखील आदरणीय गणेशजी नाईक साहेबांच्या माध्यमातून केला जाणार आहे। जे आदिवासी विद्यार्थी हे शैक्षणिक जीवनामध्ये ज्यांनी एक स्वतःचं असं एक वेगळं असं यश संपादन केलं आहे त्यांचा देखील सन्मान आजच्या दिवशी केला जाणार आहे। आणि त्याचबरोबर जास्तीत जास्त केंद्र सरकारच्या योजना, राज्य सरकारच्या योजना, महानगरपालिकेच्या योजना ह्या देखील आज या आदिवासी बांधवांपर्यंत कशा पोहोचतील, ते फॉर्म कसे भरावेत, त्या फॉर्मकरता कोणत्या कागदपत्रांची आवश्यकता आहे, ते कुठे सबमिट करावं, ह्याची पूर्णपणे माहिती सर्वांनाच नसल्यामुळे अनेक योजनांपासून हा समाज, हा घटक हा वंचित राहत असतो आणि त्यांना या संपूर्ण मूळ प्रवाहामध्ये आणण्याकरता आज ह्या संपूर्ण मन की बात ह्या कार्यक्रमाच्या निमित्तानं एक विविध कार्यक्रमांचं आयोजन आज या आरोली भूतोली परिसरामध्ये केलं। संदीप नाईक ने ये भी कहा कि अगर शहर में क्रांति लानी है तो युवाओं से बेहतर और कोई माध्यम नहीं है। यूथ का सहभाग ये काफ़ी महत्वपूर्ण है क्योंकि हमारे भारत देश की लोकसंख्या उसमें यूथ की पॉपुलेशन सबसे ज़्यादा है और इस माध्यम से अगर देश में हमें क्रांति लानी है जो क्षेत्र में हम कम हैं और वहाँ पे हमें और काम करने की आवश्यकता है, ऐसे समय पे एक पॉजिटिव एनर्जी और एक फोर्स आगे आना चाहिए और ये यूथ के सिवा ये फोर्स कोई हो नहीं सकता। एक संस्कारित यूथ जो स्कूल में कॉलेजेस में पढ़ रहा है उसके माध्यम से उसकी शिक्षा वो पूरे करते समय अपने इस शैक्षणिक जीवन में समाज के प्रति जो अच्छे उपक्रम है उनमें भी वो सम्मिलित हो और सिर्फ एक दिखाने के लिए नहीं, क्योंकि हमारे 11th में 12th में या NSS के माध्यम से एक उपक्रम हमें करने के लिए बोला है, वो सिर्फ उपक्रम करो और पेपर पे रखो ऐसे नहीं, उसके साथ मन से उसको समझो और उस उपक्रम के माध्यम से उस खुद में कुछ बदलाव लाए और यही बदलाव समाज में भी जाने के लिए, लोगों को भी इस अच्छे काम करने के लिए साथ में लेने के लिए आज सब यूथ भी आ गया है। जब यहाँ पे काफ़ी बड़ी संख्या में लड़के हैं, लड़कियाँ हैं, जब हमारा परिसर क्लीन रखने के लिए, स्वच्छ रखने के लिए ये सब लोग आज आए हैं तो यही ही बात उनके उस परिसर के यूथ में भी आज आएगी और इस परिसर में और बाद में शहर के लिए, हमारे राज्य के लिए, देश के लिए भी अच्छा काम करने की भावना उनके मन में जागृत होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, द मेट्रो।